हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एचपी टेट के बारे में। इसके सिलेबस कैसा रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट जो डेट है वो 6 अगस्त तक है। तो आप एचपी स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पे जाके इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्टली जो किस कैटेगरी के निकले हुए हैं, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए, शास्त्री के लिए, लैंग्वेज टीचर्स के लिए, लैंग्वेज टीचर पंजाबी के लिए, लैंग्वेज टीचर उर्दू के लिए और जेबीटी सीजेक्स के लिए निकले हुए हैं। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो एप्लीकेंट है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंडली, जो एप्लीकेंट है वो बीए, बीकॉम, बीएससी अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में होना चाहिए, और उस एप्लीकेंट ने एटलीस्ट बीएड 1 या 2 ईयर का कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए, और अपीयर्ड वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो ओबीसी और जनरल के लिए 800 है, और एससी, एसटी और ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 500 रुपीज़ है, जिसको कि आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो। तो हम सिलेबस की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट 2 सेक्शंस हैं वो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए सेम रहने वाले हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में 30 क्वेश्चन रहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के एंड डेवलपमेंट फेडोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के। सेकंड सेक्शन जो होता है वो 31 to 60 क्वेश्चंस का रहता है, जो कि इंक्लूड करता है जनरल अवेयरनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो जो 30 क्वेश्चन है वो जनरल स्टडीज़ के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ की। तो टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए जो सेक्शन थर्ड है 61 to 90 क्वेश्चन का, वो इंग्लिश लिटरेचर रहेगा और ग्रामर रहेगा। और जो फोर्थ सेक्शन है 91 to 150 क्वेश्चन का, वो सोशल स्टडी का रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 रहने वाले हैं। अगर हम टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करते हैं थर्ड और फोर्थ सेक्शन की, तो क्वेश्चन नंबर 61 to 90 जो है मैथमेटिक्स रहेगा, मतलब कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आने वाले हैं, और 91 to 150 मीन्स कि 60 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टीजीटी मेडिकल की, तो इसमें जो थर्ड सेक्शन है मीन्स कि 61 to 120 क्वेश्चन का, वो बॉटनी और जूलॉजी का आने वाला है, मीन्स कि 60 क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी दैट इज बायोलॉजी से आएंगे। और सेक्शन फोर्थ जो कि 120 to 150 है वो केमिस्ट्री का, इट मीन्स कि 30 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के रहने वाले हैं। अगर हम अदर टेट की बात करते हैं, तो जैसे कि हम शास्त्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो 1 to 120 क्वेश्चन जो होंगे वो बेस्ड अपॉन द शास्त्री डिग्री कोर्स होंगे, और 121 to 150 क्वेश्चन जो रहेंगे मीन्स कि जो 30 क्वेश्चन है एंड वाले, वो क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के रहेंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, और 120 क्वेश्चन जो वो शास्त्री डिग्री के रहेंगे। अगर हम बात करते हैं टेट लैंग्वेज रिजर्व के लिए, तो इसमें जो 120 क्वेश्चन हैं, 120 क्वेश्चन हैं वो हिंदी कोर्स के रहेंगे ऑफ ग्रेजुएशन लेवल्स, और सेक्शन टू में जो होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे 121 से 150 तक के, वो जनरल अवेयरनेस रहेंगी सेम इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं टेट जेबीटी की, तो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है 1 to 30 क्वेश्चन वो चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी के रहेंगे, और 31 to 60 जो सेक्शन सेकंड है वो क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के। नेक्स्ट थर्ड सेक्शन थर्ड, इसमें 61 to 90 क्वेश्चन है वो हिंदी लिटरेचर और ग्रामर के रहने वाले हैं। सेक्शन फोर्थ जो कि मैथमेटिक्स से आएगा, एंड सेक्शन फिफ्थ जो कि सोशल साइंस से रहने वाला है, जिसमें कि नेक्स्ट के 30 क्वेश्चन होंगे। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगा वो भी 150 मिनट्स रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, और क्वालिफाइंग मार्क्स, टेट के लिए आपको पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ऐसे कोई मेरिट के बेस में नहीं किया जाता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। तो जो जनरल कैटेगरीज के लिए वो 60% क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, और एससी एसटी के लिए 55 क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। इट मीन्स कि जनरल को 150 में से 90 मार्क्स लेने होंगे, और ओबीसी एससी एसटी को 150 में से 82 मार्क्स लेने होंगे टेट क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इसके क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं, या फिर और कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए।
जरूर बोले। थैंक यू।